हेलो फ्रेंड्स, मैं जमील खान और हमारे चैनल जमील ऑटो वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये महिंद्रा सेंचुरो बाइक मेरे पास आई है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी चाबी खो गई है और ये दूसरी चाबी मेरे पास है स्प्लेंडर की, तो मैं इसको लगा करके स्टार्ट करूँगा। इसमें प्रॉब्लम समझ लीजिए पहले क्या है। देखिए, ये देखिए चाबी ऑन करते हैं तो ये सायरन बजने लगता है और बाइक को स्टार्ट करें तो स्टार्ट नहीं हो रही, करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत आती है जब चाबी खो जाती है। इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके डाल रखा है यूट्यूब पर, दो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि महिंद्रा सेंचुरो की चाबी अगर खो जाती तो उसको कैसे डायरेक्ट करोगे। उसमें मैंने स्विस कंपनी की सीढ़ी लगा करके बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्विस कंपनी की सीढ़ी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर स्विस कंपनी की आपको सीढ़ी नहीं मिल रही तो आप दूसरी सीढ़ी से कैसे स्टार्ट करोगे, उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो देखिए, मेरे पास ये CDI है, हीरो की ओरिजिनल CDI है और 1360 रुपये इसकी MRP है और इसका पार्ट नंबर अभी आपको दे दूंगा, तो इस पार्ट नंबर के आप परचेज करके लगा सकते हैं बाइक में। और उसके बाद एक मैंने ये कनेक्टर लिया है चार तार का, ये चार तार का कनेक्टर है जो कि मैंने एक्टिवा का लिया है और एक्टिवा में लगता है ये CDI में, तो ये वहाँ से मैंने लिया है। एक एक स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। और ये पूरी मैंने अभी कुछ किया नहीं, इसमें सिर्फ सीट और टंकी खोला है, और सीट मैंने इसलिए खोला क्योंकि मुझे इसमें आगे का ये लॉक भी चेंज करना है, लॉक ख़राब है तो इसलिए मैंने खोला है। और आपको खोलने की टंकी खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खाली ये इतना काम कर लीजिएगा आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये वायरिंग में मैंने अभी कुछ किया नहीं, जैसे होता है वैसे ही है, ये सारे तार वैसे ही लगे हुए हैं। अब मैं इसको आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सा तार आपको काटना है और इसी तरह से आप करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बार चेक कर लिए, सबसे पहले मैंने ये सॉकेट लिया है चार तार का जो कि एक्टिवा से मैंने काटा है, पुरानी वायरिंग से एक्टिवा का सॉकेट है ये। ठीक है, एक ये आपको लेना है और एक ये CDI मैंने ली है जो कि स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल की CDI PS4 की है ये, 1360 इसकी MRP है और पार्ट नंबर आप चेक कर लीजिए, ये पार्ट नंबर होता है इसका। इस पार्ट नंबर की CDI आपको लाना है और इसमें अटैच करनी है। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे इसको आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे आप इसको ऊपर का टेप काट लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तार ये वाली निकालनी है, एक ही होगी जो कि पहले किसी ने काट रखा है, टेप लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये वाला एक तार निकालिए और एक तार इसमें वाइट कलर का है जो कि पिकअप कॉइल का है, ये वाली वायर है। ठीक है, और एक वायर इसमें ब्लैक कलर की होगी जो कि ये वाली है। ये पहले इस वाले सॉकेट से हम तीन तार को कट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक हो गया ब्लैक वायर काट लिया मैंने और दूसरा ये हो गया रेड वाइट काट लेते हैं, और एक है ये वाइट कलर का तार, इसको काट लिया। तो ये तीन तार मैंने इसको अलग कर लिए हैं और एक तार आपको और काटनी है, वो मैं बताता हूँ कि कौन सा काटेंगे आप। तो देख लीजिए, इसी CDI में ये अलग से एक वायर निकली हुई है जो कि वाइट कलर का सॉकेट है ये, तो इसमें ये वाली वायर काटनी है जो कि है ये रेड ब्लैक, तो रेड ब्लैक को काटना है। ये HT कॉइल की तार होती है, तो यहाँ से मैंने इसको काट लिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऐसे छील लीजिए ताकि आसानी हो जाए जोड़ने में। तो ये मैंने काट लिए हैं और सभी तारों को अब छील लेंगे।
ये देखिए सभी चार तार जो हैं उनको आप ऐसे कैंची से या फिर आपके पास कटर हो उससे छील लीजिए। छीलने के बाद फिर ये तार का कनेक्ट करना है, वो भी बताता हूँ कैसे करना है आपको। और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि पहली बार आप लोग करते हैं थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% जेन्युइन तरीका है, चेक किया हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तार मैंने देखिए छील लिए हैं, छीलने के बाद अब ये CDI निकालिए और इसको कैसे लगाना है ये आपको बताता हूँ। देखिए ये सॉकेट है और ये ऐसे, ये CDI और ये सॉकेट, तो इसको ऐसे हमने लगा दिया। अब यूँ CDI को ऐसे मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिए जो ये इस तरफ का तार है ऊपर का राइट साइड का, उस तार को जोड़ना है रेड ब्लैक में। ये देखिए रेड ब्लैक वायर है, इसको इसमें जोड़ देना, जो कि HT कॉइल की तार है। तो इसको मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसी साइड की दूसरी वायर ले लेते हैं, ये वाली, इसी साइड की इससे नीचे वाली वायर, ये वाली ले लेते हैं। तो ये वाली वायर है बैटरी की, जो चाबी ऑन करने पे करंट आ जाता है इसमें 12 वोल्ट का, जो कि इग्निशन स्विच से आई है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद अब ये देखिए उस साइड की लेफ्ट साइड की ऊपर वाली तार है, जो कि है पिकअप कॉइल की। तो पिकअप कॉइल की महिंद्रा सेंचुरी में वाइट कलर की होती है, तो हमको वाइट कलर में जोड़ना है। तो देखिए वाइट कलर में मैंने जोड़ दिया। अब इसी साइड की ये नीचे वाली वायर है, जो कि ब्लैक कलर के वायर में जुड़ जाएगी, अर्थ का वायर है ये। तो ये सारे तार जुड़ गए हैं, और इसमें देखिए कलर अलग अलग है, आपको कलर से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ कनेक्शन से मतलब है, कौन सा तार कैसे जोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। इस सॉकेट में जो तार हैं उसके कलर से आप कंफ्यूज मत होइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ तार जोड़ना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो गया है, अब कुछ करना नहीं, मैं आपके सामने ही टेप लगा दूंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप ये समझें कि बाद में हमने इसमें कुछ किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अब इतना करके उसके बाद इन तारों में टेप लगा दीजिए। तो मैं इसमें टेप लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए मैंने टेप कर दिया इसमें सारे तारों में, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले बाइक को स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने मैग्नेट खोल करके उसके तार नहीं पलटे हैं, लेकिन अब मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि इसको अगर वो नहीं करोगे तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो दिखाओ, तो देखिए ये स्प्लेंडर की चाबी है, और इसको मैं लगा के ऑन करता हूँ स्विच। देखिए स्विच ऑन हो गया, ठीक है, और सायरन जो बज रहा था वो अब बजना बंद हो गया। तो अब बाइक को स्टार्ट करता हूँ, और टंकी नहीं है बाइक में, लेकिन इसके कार्बोरेटर में जितना पेट्रोल होता है उससे स्टार्ट हो जाती है बाइक। तो अब देखता हूँ कि वहाँ तार नहीं पलटा हूँ, लेकिन CDI खाली लगा दी हूँ, गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती, चेक करता हूँ।
तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। और अब चेक करता हूँ कि करंट आ रहा है या फिर पेट्रोल ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही, हो सकता है, तो करंट चेक कर लेता हूँ इसका। तो देखिए करंट आ रहा है लेकिन बहुत हल्का आ रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अब इसका पिकअप कॉइल के तार पलट देता हूँ खोल करके। तो चलिए पिकअप कॉइल को खोलते हैं और उसके तार पलटते हैं। तो अगर आपके पास सोल्डिंग की सुविधा उपलब्ध है तो सोल्डिंग जरूर कर दें ताकि स्पार्किंग का कोई चांस ना रहे, लूज वायर होने का कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं रहेगा। तो देखा आपने, ये था प्रोसेस इस CDI को लगा करके, हीरो के CDI लगा करके बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको और मुझे नहीं लगता कि अब कोई कन्फ्यूजन आपको बची होगी। तो इसी तरह से आप करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार आप करते हो इसलिए डर लगता है, लेकिन एक बार आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बेझिझक होकर के ये CDI खरीद करके और बाइक में लगा करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी और वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं और चाहें तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। और तो अगर आपको ये CDI भी ना मिले तो बाइक को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि अगर ये वाली भी CDI नहीं मिलती है और कॉइल पेट ख़राब हो जाती है या फिर मैग्नेट आपका ख़राब हो जाए तो किस प्रकार से बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, उसके क्या स्टेप आपको फॉलो करेंगे और बाइक कैसे स्टार्ट करोगे। तो ये जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में, दिक्कत होती है। तो वो वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा। फिलहाल ये जानकारी मैंने दी है, इसको करके बाइक को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।